ओम साई राम। आज का साई संदेश। बाबा, साई बाबा नियम कभी नहीं तोड़ते थे। बाबा कहते हैं कि हमें नियम से, संयम से चलना चाहिए। कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को तोड़ने की सलाह देते हैं। तुम्हारे घर में जो भी रीति रिवाज पूजा पाठ होती है उसे तुम पहले करो, फिर मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं तो दासों का दास हूँ। इसलिए अग्रणी तो प्रथम पूज्य महाराज गणेश जी, भगवान कृष्ण, राम, विष्णु जी, माँ दुर्गा, इन सभी की पूजा। आपकी जो भी और देवी देवता हैं उन सभी को मानो, सभी की पूजा करो, फिर मेरी पूजा करो। देखो, क्योंकि भगवान भी घर में सदस्यों की तरह होते हैं। हमारी घरों में वो हम देवों का वास होता है, सभी देवों का, तो हम सभी की पूजा करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं हमें सभी का सम्मान करना सिखाते हैं, और हमें सभी का सम्मान करना जरूरी होता है। इसी तरह राम कृष्ण विष्णु जी, शिव जी, माँ दुर्गा जी, हनुमान जी, ज़्यादातर सभी घरों में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए बाबा का यही मानना है कि सबसे पहले तुम जितने भी तुम्हारे घर में देवी देवता हैं सभी की पूजा करो। मुझे इसी में प्रसन्नता मिलती है। पहले परमार्थ करो, स्वार्थ करने से सभी का भला नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे निस्वार्थ पूजा करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। और अगर आप में किसी भी चीज का हुनर है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए सभी के सामने। अपने हुनर को कभी मत छुपाओ, ये ईश्वर की देन है, क्योंकि परमात्मा ऐसे ही नहीं देता है। आपके हुनर से किसी दूसरे व्यक्ति का भी भला हो सकता है। क्या पता किसी को आपका काम प्रभावित कर जाए। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज की अपनी कीमत है, महत्व है। मेरे बच्चे, ये संसार सभी प्राणियों के लिए है, जिंदगी का आधार है। जब आधार शिला मजबूत होती है तो आप अपने जीवन में कभी भी नहीं डगमगाएंगे। मेरे बच्चे, अपना संकल्प दृढ़ रखो और साई सुमरन करते हुए आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। ओम साई राम। जय जय साई राम जी, भला करें।